सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन अभी भी स्थिति थोड़ी सी असमंजस वाली ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1967 में जो ये कहा गया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उस जजमेंट को ओवररूल किया गया है। एएमयू की वीसी नायमा खातून जी हमारे साथ में। मैम, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग सब लोग आए थे यही मांग करते हुए स्टेटस क्लियर हो, लेकिन स्टेटस तो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो कुछ ना कुछ एक उम्मीद तो जरूर होगी ना कि स्टेटस क्लियर हो जाए। उम्मीद तो पूरा सुप्रीम कोर्ट खरा उतरा है, सारे एनडीसीए बता दिए हैं, बस कहना रह गया वो अगली जजमेंट में हो जाएगा। तीन जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। We honor the judgment of the Supreme Court, obviously the highest court, that to a 7 judge bench, so we honor that. That's all. Sir और मैम, आप दोनों लोगों से ही सवाल यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने मुद्दा आया था यही था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, वो तो तीन जजों की बेंच तय करेगी, तो ऐसे में अभी तक वहाँ पर जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी जैसे आप लोग कर रहे थे, क्या प्रक्रिया थी, कैसे था स्टेटस को है, जो भी एडमिशन प्रोसेस था वो चलता रहेगा, कैसे चला था सर कोई चेंज उस पर डिटेल अभी आपको नहीं पता, इट्स नॉट टाइम टू गिव इन डिटेल अबाउट द व्हाट एडमिशन प्रोसेस, अभी तक चल रहा था वैसे चलता रहेगा, स्टेटस को हमारा मेंटेन है जी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच पर फिर से आप लोगों की निगाहें, देखते हैं क्या होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे साथ में, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से अभी तक प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। ये तो राहत मिल गई है कि 1967 में जो ये कहा गया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो फैसला अब जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे में अब नए सिरे से एक उम्मीद जरूर जगी है कि सुप्रीम कोर्ट की जब तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी तो फिर जो मांग की जा रही है कि इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया जाए वो पूरा होगा, ये उम्मीद कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से जुड़े हुए लोग और खुद जो वहाँ की वाइस चांसलर हैं वो। हालांकि उनका ये ज़रूर कहना है कि अभी तक जिस तरीके से प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है, क्योंकि 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ज़रूर आया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, तो 1981 में पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया था उसके बाद से ही जिस तरीके से वहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी वो उसी तरीके से चलती रहेगी। यानी कुल मिलाकर आज की तारीख में कुछ नहीं बदला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, वहाँ पर जिस तरीके से पिछले 2-3 दशकों के दौरान से प्रक्रिया चल रही है दाखिलों की, रिजर्वेशन की, यह तमाम चीज़ों की, वो उसी तरीके से चलती रहेगी। और अब निगाह टिकी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच के ऊपर जो आने वाले वक्त में तय करेगी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.